फतेहपुर में सदर कोतवाली पुलिस ने करीब 37 ग्राम स्मैक के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। सीओ सिटी संजय सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपी अवधेश कुमार, जवाहिर, मुन्नी देवी और शेखू हैं, जिन्हें मुखबिर की सूचना पर भिटौरा बाईपास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी मुख्य आरोपी मुन्नी देवी है, जो पिछले काफी दिनों से इस गोरख धंधे में शामिल थी, जिसकी सूचना लगातार क्राइम ब्रांच को मिल रही थी। सटीक मुखबिरी के आधार पर धर दबोचा, पुलिस ने सभी आरोपियों पर स्थानीय थाने में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत करीब 2.5 लाख के आसपास बताई जा रही है। जनपद फतेहपुर में शहर कोतवाली पुलिस तथा स्वाट टीम क्राइम ब्रांच ने भिटौरा बाईपास के पास से 3 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी सम्मिलित है। उनके कब्जे से 36.80 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2.5 लाख बताई जा रही है। इस संबंध में कोतवाली पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।